नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुका है। सितंबर 18 से अक्टूबर 2 तारीख तक चलेगा। ये 16 दिन आपकी भाद्र पूर्णिमा से शुरू होकर महालया तक चलता है, अश्विन महीना में शुरू होता है और ये खास करके स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए मार्किंग किया गया है। और इसमें हम खास करके पितृलोक की श्राद्ध तर्पण देते हैं, तिल तर्पण या पिंडदान, ये करने का मेन मकसद है। इसके माध्यम से हम उनके फॉरगिवनेस, उनके गाइडेंस या ब्लेसिंग्स फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन रखते हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। ये पितृपक्ष इज डीपली कनेक्टेड टू द पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स जो हमारा एंसेस्ट्रल को इफेक्ट किया है, खास करके शनि एंड राहु। इनके वजह से या हमारे पितरों जो कोई कर्म के वजह से ये दोनों ग्रह को जो पीड़ा हुई है, जिसके कारण आज हम इस पीड़ा की भुगत रहे हैं, शारीरिक पीड़ा हो, आर्थिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो या पारिवारिक पीड़ा हो, ये हम तिल तर्पण या पिंडदान प्राप्त करके हम हमारे पूर्वजों से ये आशीर्वाद भिक्षा करते हैं हमारे सुख शांति और समृद्धि के लिए। ये इसकी मेन मकसद है। और ये श्राद्ध कोई भी कर सकता है, चाहे आपके पिताजी है या माताजी है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। हम ये श्राद्ध हमारे पूर्वजों को देते हैं, उनसे आशीर्वाद भिक्षा करते हैं और ये भी हम यमराज को, भगवान को ये भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी कारणवशत जाने अनजाने में अगर हमारे पितृजों को कहीं भी मुक्ति नहीं मिल रहा है, नर्क से मुक्ति नहीं मिल रहा है, कहीं भी बीच में अटक हुए हैं, इनकी मुख्य प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो मैं गुजारिश करता हूँ तर्पण के माध्यम से, पिंडदान के माध्यम से, श्राद्ध के माध्यम से उनको, उनसे मुक्ति दे और उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्ति हो। और ये जो पितृ लोग के जो हम जो श्राद्ध करते हैं, इसमें खास करके कुछ तिथि है जो काफ़ी महत्व रखता है। ये है एक तो नव, इसे तो आप सारे दिन में, ये जो 16 दिन हर कोई दिन में आप कर सकते हैं, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और खास करके नवमी तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, 25 सितंबर को था ये, इसको हम मातृ नवमी तिथि के नाम पे जानते हैं। तो इसके तिथि में भी आप अगर करते हैं तो आपको और अच्छा फल मिलता है। और एक तिथि होता है 28 सितंबर को, इंदिरा एकादशी तिथि, ये एक बहुत ही बड़ी तिथि है। इसमें आमतौर पर आप सब लोग कर सकते हैं, अगर किसी ने नहीं कर पाया, किसी को समय नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल पाया, तो ये एक दिन भी करके आप इसके फायदा ले सकते हैं। दूसरे और एक तिथि है 29 सितंबर को, द्वादशी तिथि है, जिस तिथि में जिनके खास करके ये उनके लिए है जिनकी पिता माता या कोई भी उनके पूर्वजों ने संन्यास ले लिया है और उसके बाद उनके आता पाता कुछ हम खबर नहीं मिला है, तो हम उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए भी हम इस दिन द्वादशी तिथि में भी हम श्राद्ध दे सकते हैं। और एक है आपके 1 अक्टूबर जो चतुर्दशी तिथि है, ये तिथि है खास करके अगर आपके पूर्वजों में कोई भी अननेचुरल डेथ वाला है, कि एक्सीडेंट, सुइसाइड्स, जल के डूब के कोई भी कारण अननेचुरल डेथ हुआ है, तो उनके लिए भी आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। ये दिन श्राद्ध करेंगे तो उनको अच्छा फल मिलता है और इसमें आपको अच्छा फल प्राप्त भी होता है। और एक महालया 2 अक्टूबर, ये हर कोई इस दिन में भी आप कर सकते हैं, सारे 16 दिन में सारे कर सकते हैं। और जिनका खास करके जिनकी, जैसे मैंने बोला, ये माता पिता की कोई तकलीफ है, कोई सन्यासी हो गया, किनका नेचुरल डेथ हो गया और इस तरह चीज़ें हैं, तो आप इस सारे पर्टिकुलर दिन में भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, तिल तर्पण पिंडदान। और अगर इसके साथ अगर कहीं आप ओल्ड एज होम में कुछ खाना का प्रबंध कर सकें, कोई ब्राह्मण भोजन करा सके घर में, ये भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये जो तिल तर्पण जो श्राद्ध आप कहीं भी नदी के किनारे, समुन्द्र के किनारे, कोई तालाब के किनारे कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आपके घर के अंदर भी आप ब्राह्मण के पंडित जी को बुला के आप कर सकते हैं। आप इसको करिए, आप अगर शुरू नहीं किया है कभी भी जिंदगी में, तो आप इसको शुरू कीजिए, आप देखेंगे शुरू करते आपको कितना हल्का लाइट महसूस करेंगे और आपने जीवन में कितना परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये मैं कर रहा हूँ, मेरे को उसकी फल मिल रहा है, तो मैं आज ये वीडियो बनाया, अब काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो मैं वीडियो बनाकर आपको कह रहा हूँ, आप इसको करके देखिए, आपको जैसे करेंगे तुरंत आप कितना लाघव मिल होगा आपके डे टू डे लाइफ में, कितना आपको अच्छा लगेगा, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर आपको कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।